अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए द ऑटोमन एम्पायर सीजन 1 एपिसोड 2, जैसे कि हमने एक घंटे पहले एपिसोड 1 डाला था तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, है ना। जैसे कि हमने इनके चैनल के बहुत सारे वीडियोस पे रिएक्शन दिए तो बहुत सब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थे। एंड टर्क्स एंटर्ड यूरोप, सो ये टाइटल है एपिसोड 2 का, तो देखते हैं क्या बताएंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर रिएक्शन वीडियो। तो कहाँ थे हम? हम थे बरोसा के पास, जहाँ उस्मानी तुर्क सल्तनत के बानी उस्मान गाजी का बेटा सुल्तान ओरहान तख्त नशीन हो चुका था। 14th century 14वीं सदी में अनातोलिया में सूरत हाल ये थी कि कई छोटी बड़ी रियासतें एक दूसरे के मुकाबले पर थीं। हर एक के पास सिर्फ दो चॉइसेस थीं, एक ये कि वो अपने इर्द गिर्द की रियासतों पर कब्जा कर ले, दूसरी ये कि वो खुद किसी बड़ी रियासत के कब्जे में आकर ख़त्म हो जाए। यही चैलेंज ओरहान को भी दरपेश था, और वो भी दो अतराफ से। एक मशरिक में अपने हम मजहब हम कौम मुसलमान तुर्कों से, जिनकी दो ताकतवर रियासतें केरासी और करमानिया वजूद में आ चुकी थीं, और इन रियासतों को, ख़ास तौर पर करमानिया को, मुसलमानों की उस वक्त की सबसे बड़ी हुकूमत ममलूक सल्तनत की भी हमायत हासिल थी। ममलूक सल्तनत उस वक्त आज के इसराइल, फलस्तीन, सऊदी अरब और मिस्र तक फैली हुई थी। तो ओरहान का एक चैलेंज हो गया मुस्लिम तुर्क रियासतें जो मशरिक और जनूब में थीं, और दूसरा चैलेंज रोमियों की बेजेंटाइन अम्पायर जो मगरिब में थी, बहुत ताकतवर थी, यूरोप के ममालिक और ईसाई उसके साथ खड़े होते थे। जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त सुल्तान ओरहान अमलन इन दोनों से हालते जंग में भी था। तो फिर ये कैसे हुआ कि एक सल्तनत जो दोनों तरफ से दुश्मनों में घिरी हुई थी, उसने रोमियों को दोनों तरफ से घेर लिया? मैं हूं फैसल उड़ायच, और देखो सुनो जानो की ऑटोमन एम्पायर सीरीज में हम आपको यही सब दिखाएंगे। तो अनातोलिया से बेजेंटाइन एम्पायर का इक्तदार बड़ी हद तक खत्म हो चुका था, लेकिन अनातोलिया के शुमाली इलाके बेथिनिया में अब भी कई छोटे छोटे शहर और किले इनके कब्जे में थे। और हान सुल्तान इन शहरों पर भी कब्जा करना चाहता था, ताकि रोमियों का अनातोलिया से मुकम्मल सफाया करके अपनी सल्तनत को ज़्यादा महफूज बनाया जा सके। सो उसने बेथिनिया के इन शहरों को घेरना शुरू कर दिया। अनातोलिया के इस इलाके बेथिनिया में रोमी किलों के मुहासरे शुरू हो गए। जब बजंतीनी शहनशाह को इसकी खबर मिली कि उसके रहे सहे किले भी उस्मानी तुर्क हथिया रहे हैं, तो उसने अपने शहरों के तहफ्फुज़ के लिए लश्कर तैयार करना शुरू किया। 1328 में वो 4000 सिपाहियों की एक फ़ौज लेकर अपने घेरे में आए शहरों की मदद के लिए निकल पड़ा। जब रोमी शहनशाह फ़ौज लेकर निकला, तो हर तरफ खबर फैल गई कि शहनशाह खुद फ़ौज लेकर उस्मानियों के मुकाबले के लिए आ रहा है। ऐसा चूंकि पहली बार हो रहा था कि कोई रोमी शहनशाह उस्मानियों के मुकाबले में खुद लश्कर की क़यादत कर रहा हो, इसलिए खबर चार सू फैल गई। सुल्तान और हान को भी इल्म हो गया, सो वो भी लश्कर लेकर रोमी शहनशाह को रास्ते ही में रोकने के लिए चल पड़ा। वो नकोमीरिया शहर, जिसे अब अजमीत या अजमत भी कहा जाता है, के करीब माल्टेपे के इलाके में ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ उसे स्ट्रेटजिक एडवांटेज हासिल था। ये एक ऊंची पहाड़ी थी जहां से रोमी शहनशाह का लश्कर आते हुए दूर से देखा जा सकता था। तुर्की घुड़सवार, जो दौड़ते घोड़ों से तीरंदाजी के माहिर थे, रोमी शहनशाह के रास्ते में एक जगह छुप कर बैठ गए। जब रोमी लश्कर अपने शहनशाह की क्यादत में वहां पहुंचा, तो घात में बैठे घुड़सवार तीरंदाजों ने खौफनाक हमला कर दिया। रोमी फौज में भगदड़ मच गई। इस पर मजीद ये कि फिर वही हुआ जो इससे पहले एक रोमी शहनशाह के साथ हो चुका था, यानी शहनशाह के मरने की अफवाह फैल गई या फैला दी गई। यह खबर सच नहीं थी, मगर इससे रोमियों के हौसले टूट गए और ईसाई लश्कर कुस्तुंतुनिया के किले की तरफ वापस भाग गए। शहनशाह भी किसी ना किसी तरह जान बचाकर वापस कुस्तुंतुनिया पहुंच गया। आम हालात में तो यह एक झड़प की शिकस्त थी, कोई बाकायदा जंग या मुहिम जुई नहीं थी, लेकिन इस हार ने रोमियों पर खौफनाक नफसियाती असर डाला। रोमी फौज और अवाम उस्मानियों को एक मामूली कबायली ग्रोह से ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे, और ख़ुद को वो दुनिया की बेहतरीन मुनज़्ज़म फ़ौज समझते थे,
जो के वो थे भी। जाहिर है सल्तनत रोम की 1000 साल शानदार तारीख इस बात की गवाह भी थी। सो इतने बड़े जोम से आने वाला रोमी लश्कर अपने शहनशाह की मौजूदगी में उस्मानियों से हारा तो ये उनके लिए असाब शिकन साबित हुआ। इस हार से वो इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्होंने अनातोलिया में मौजूद अपने ही उन शहरों या किलों को सप्लाई तक पहुंचाना छोड़ दी जिनके अंदर खुद उनकी अपनी फौज मौजूद थी और उनका घेरा उस्मानी फौज कर चुकी थी। तो जाहिर है अब घेरे में आई रोमन फौज जिसे बाहर से भी किसी मदद की उम्मीद ना हो कब तक मुकाबला कर सकती थी। एक एक करके बेथिनिया के सब काबिल जिक्र इलाके उस्मानी तुर्कों के कब्जे में आ गए। उस्मानियों की इस फतह ने जहां रोमियों के हौसले तोड़े वहीं उसने एक और काम भी किया। वो ये कि रोमियों के एक और बहुत अहम जर्नैल कैटाकोजिनस ने अपनी आंखों से देख लिया कि उस्मानी फौज कितनी ज़बरदस्त लड़ाका फोर्स है। उसने एक शातिर इंसान की तरह उस्मानियों से लड़ने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। वो इसलिए कि कैटाकोजिनस खुद शहनशाह बनना चाहता था, लेकिन जाहिर है ना वो बादशाह का बेटा था ना भाई। अगर उसे खुद शहनशाह बनना था तो उसे बगावत करना थी, जिसके लिए उसे कुस्तुनतुनिया के किले के अंदर भी अपनी हमायत में फौज चाहिए थी जो कि उसके पास मौजूद थी, और बाहर से भी मदद चाहिए थी ताकि जब अंदर लड़ाई हो रही हो तो बाहर से कोई उसके खिलाफ लश्कर लेकर ना आ जाए। ये मददगार उसकी नज़र में उस्मानी तुर्कों से बेहतर कोई और नहीं हो सकते थे। सो उसने उस्मानी सुल्तान और हान काजी से खुफिया राबते शुरू कर दिए। यानी अब तुर्कों के सबसे बड़े दुश्मन रोमन बेजेंटाइन एम्पायर का सबसे अहम जर्नैल तुर्क सुल्तान से मिल चुका था। उसने सुल्तान और हान से मदद की दरख्वास्त की और बदले में बहुत से पुरकशिश फायदे देने का वादा भी किया, जिनमें से एक ये भी था कि अगर सुल्तान उसकी मदद करने का वादा करे तो वो अपनी बेटी से उसकी शादी कर देगा। सुल्तान ने यह पेशकश कबूल कर ली। इस गठजोड़ का इम्तिहान भी कुछ ही देर में शुरू हो गया। हुआ यूं कि 1341 में जब रोमी शहनशाह का इंतकाल हुआ और उसकी जगह उसका 9 साल बेटा जॉन 5 तख्त पर बिठाया गया तो इसी जर्नैल कैटाकोजिनस ने बगावत कर दी। उसने मुतालबा किया कि उसे भी शरीक शहनशाह बनाया जाए वरना वो अपनी रियासत से जंग करेगा। इधर 9 साल शहनशाह को तो कुछ समझ नहीं थी, लेकिन मदर क्वीन उसकी वालिदा जो उसकी सरपरस्ती कर रही थी वो समझ गई कि जर्नैल किस बलबोते पर यह बगावत कर रहा है। सो उसने भी तुर्कों ही के एक दूसरे इंतहाई ताकतवर धड़े केरासी सल्तनत की मदद मांगी। ये और बात है कि केरासियों से उन्हें कोई ज़्यादा मदद नहीं मिल सकी। अब रोमी सल्तनत में खुल कर खाना जंगी हुई, जिसमें एक तरफ उस्मानी तुर्क और रोमी जर्नैल कैटाकोजिनस एक साथ थे, जबकि दूसरी तरफ रोमी शहनशाह सर्बिया और बल्गारिया वगैरह एक साथ थे और केरासी तुर्क सल्तनत भी। 6 साल तक जारी रहने वाली खाना जंगी के बाद कैटाकोजिनस को कुस्तुनतुनिया का शरीक शहनशाह बना लिया गया, यानी वह जंग जीत गया। लेकिन इस खाना जंगी ने बेजेंटाइन अम्पायर के मज़ीद टुकड़े कर दिए। सर्बिया आज़ाद हो गया, बल्गारिया ने थ्रेस के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया और बाज़ंतीनी सल्तनत सिर्फ कुस्तुनतुनिया और कुछ साहली शहरों तक महदूद होकर रह गई। इस जंग का अमली नतीजा ये निकला कि उस्मानियों का असर और रसूख अपनी सबसे बड़ी दुश्मन सल्तनत के अंदर तक हो गया, बल्कि उस्मानी सुल्तान का सुसर रूमियों का शरीक शहनशाह बन गया। उस्मानियों के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और इस पर मज़ीद ये कि अब वो अपने मगरिब में वाकया उन केरासी तुर्कों पर भी हावी हो गए थे जो उनके दूसरे बड़े दुश्मन थे। केरासी सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता उस्मानियों के आगे घुटने टेकते टेकते आखिर ख़त्म हो गई, क्योंकि अब उनके साथ कोई बड़ा इत्तेहादी नहीं रहा था। केरासी सल्तनत पर कब्जे की वजह से उस्मानी तुर्क समंदर के इस हिस्से दर्रा दानियाल के करीब आ गए थे, जहां से वो यूरोप में दाखिल हो सकते थे, क्योंकि अनातोलिया से यूरोप में दाखिले के 2 ही रास्ते थे। एक ये कि रोमी सल्तनत का इंतहाई मजबूत किला कुस्तुनतुनिया फतह करके इस रास्ते से यूरोप में दाखिल हुआ जाए, जो कि उस वक्त बहुत मुश्किल था। दूसरा रास्ता यही दर्रा दानियाल का था जो आप नक्शे में देख रहे हैं। वैसे भी यूरोप में दाखिल होना और यूरोप को फतह करना तुर्कों के लिए एक ख्वाब था। ये ख्वाब उनके बानी गाजी उस्मान बे ने देखा था और अब वो इस ख्वाब के किनारे पर थे,
लेकिन दरमियान में एक समंदर हायल था। छोटा सा, कम चौड़ाई वाला समंदर, लेकिन था तो समंदर ना। और दूसरी तरफ यूरोप की ताकतवर फौज भी किसी सूरत उन्हें दर्रा दानियाल के पार आता नहीं देखना चाहती थी। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए कुदरत के कारखाने में वाकयात जन्म लेते रहते हैं, इनका इंतज़ार करना चाहिए। 14th century के मिड में कैटाकुजिनस ने अपने बेटे को अपनी जगह बादशाह बनाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी बगावत हो गई। कैटाकुजिनस ने एक बार फिर वही किया जो पहले किया था, यानी सुल्तान ओरहान से मदद मांग ली। अब तो वैसे भी वो सुल्तान ओरहान का सुसर था, लेकिन अब सुल्तान ओरहान ने एक और शर्त भी रख दी। उसने कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो मुझे यूरोप और एशिया के दरमियान हायल पतला सा समंदर दर्रा दानियाल पार करके दूसरी तरफ यूरोप में गैलीपोली में मिलिट्री बेस कायम करने दी जाए। कैटाकुजिनस को ओरहान की फौजी मदद चाहिए थी और यूरोप में ही चाहिए थी, इसलिए वो मान गया। और यूं उस्मानी तुर्क बगैर एक कतरा खून बहाए यूरोप में दाखिल हो गए। आर्जी तौर पर ही सही, लेकिन दाखिल हो गए। सुल्तान ओरहान ने अपने बेटे सुलेमान को एक बड़ी फौज के साथ गैलीपोली भेज दिया। उस्मानी फौज के मदद को आ जाने से कैटाकुजिनस की पोजीशन मजबूत हो गई, लेकिन साथ ही उसके लिए एक बड़ा मसला भी खड़ा हो गया। वो ये कि तुर्कों की रवायत थी कि वो गाजा करते थे, यानी ईसाई इलाकों को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाने के लिए जहाद करते थे, जिसे वो गाजा का नाम देते थे, और गाजा करने वालों को गाजी कहा जाता था। यही वजह है कि तुर्क हुक्मरानों को गाजी भी लिखा जाता है, जैसा कि उस्मान गाजी और ओरहान गाजी। तो ओरहान गाजी के बेटे सुलेमान गाजी ने यूरोप में सिर्फ मिलिट्री बेस बनाने पर ही इक्तफा नहीं किया, बल्कि उसने पेशकदमी शुरू कर दी और यूरोप में रोमी सल्तनत के किले कुस्तुनतुनिया के मगरिब में इस इलाके थ्रेस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये कब्जा शुरू हुआ तो रोमियों के दिलो दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगीं, क्योंकि अब ताकतवर उस्मानी तुर्क जो रूमी सल्तनत के मशरिक में तो थे ही, अब मगरिब में भी फैल रहे थे। और ये सब कुछ रोमी शहनशाह कैटाकुजिनस की वजह से हो रहा था। तो कैटाकुजिनस को रोमियों की तरफ से शदीद तनकीद और नफरत का सामना करना पड़ा। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए फौरी तौर पर सुल्तान ओरहान को पैगाम भिजवाया कि वो यूरोपीय इलाकों पर कब्जे ना करे, फकत अपनी मिलिट्री बेस तक महदूद रहे या वापस चला जाए। लेकिन उसे जवाब मिला कि कुफार के जो इलाके मुसलमानों की रियासत का हिस्सा बन चुके हैं वापस नहीं होंगे। चुनाचे गैलीपोली और थ्रेस का मशरकी इलाका, जहां उन्होंने रोमी शहनशाह की मदद के लिए आर्जी बेस बनाई थी, मुस्तकिल तौर पर सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो गया और यह इलाका आज भी तुर्की का हिस्सा है। बहरहाल कैटाकुजिनस की वजह से चूंकि यह सारा मामला हुआ था तो कुस्तुनतुनिया में उसकी बादशाहत का तख्ता उलट दिया गया। रोमी सल्तनत को नया शहनशाह मिल गया जो अब सुल्तान ओरहान गाजी का साथी नहीं, खुला दुश्मन था, जैसा कि माजी में होता आया था। कैटाकुजिनस की बादशाहत ख़त्म हुई तो 1362 में सुल्तान ओरहान गाजी का भी इंतकाल हो गया। लेकिन अपने इंतकाल तक सुल्तान ओरहान अपने बाप से मिली रियासत को एक सल्तनत बना चुका था, जो पहले से दुगनी हो चुकी थी और अनातोलिया से निकल कर यूरोप तक फैल गई थी। लेकिन अब मसला ये था कि सुल्तान ओरहान के 3 बेटे थे और सल्तनत किसी एक को मिलना थी, सुलेमान, मुराद या खलील में से किसी एक को, या फिर सल्तनत के 3 टुकड़े किए जाने थे। तो इन तीनों में से एक सुलेमान, जिसने यूरोप में अपने बाप के हुक्म से पहला मिलिट्री बेस बनाया था, वो मुकाबले ही से आउट था, क्योंकि वो पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुका था। बाकी बचे 2, मुराद गाजी और खलील गाजी। तो मुराद गाजी ने खलील गाजी को कत्ल कर दिया। सुल्तान गाजी मुराद अव्वल अब सल्तनत उस्मानिया का नया हुक्मरान था। तो गाजी मुराद अव्वल ने तख्त पर बैठते ही तुर्कों की गाजा रवायत को आगे बढ़ाया, लेकिन उसने फौज में एक नया इजाफा किया। ये नया इजाफा था गुलामों की फौज का। यह गुलामों की फौज क्या थी और तारीख में इतनी मशहूर क्यों है, यह सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन ऑटोमन एम्पायर की अगली किस्त में। सल्तनत का
और रिएक्शन बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ना, एंड बहुत ज्यादा मजा भी आया सुनकर। जो इनकी जो एक्सप्लेनेशन है जो बताते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से बताते हैं, इनकी इनकी यही बात ज्यादा अच्छी लग रही है इनकी, एंड आगे आगे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। जैसे कि मतलब ऑटोमन एम्पायर इतनी मतलब स्टार्टिंग, जैसे हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था स्टार्टिंग्स में ही उन्होंने इतने सारे कंट्रीज के नाम लिया कि किधर किधर उन्होंने अपना पावर मतलब पावर जमाई, एंड ऑटोमन्स बाय बहुत पावर थी है ना, मतलब पूरा ने पूरी हिस्ट्री बताई। 2 एपिसोड्स देखे हमने अभी तक, सो बहुत ज्यादा अभी तक नॉलेज मिली है। सल्तनत ए उस्मानिया भाई बहुत ज्यादा मतलब सच्ची में यार, मतलब हम अगर हमने हेडफोन्स में डाले होते ना तो और भी ज्यादा अच्छे से समझ आता। वैसे इतने में भी ठीक है, एंड जैसे कि हम अभी डिल्ली सेक्टर के बाद कुरलुज उस्मान भी हम देखेंगे हमारे दूसरे चैनल पे, तो वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड इसमें भी पूरा उन्होंने हिस्ट्री बताई पूरी, सो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था एंड ओवरऑल बहुत ज्यादा। एंड आई होप गाइज आपने भी मतलब इंफॉर्मेशन ली होगी एंड बहुत ज्यादा।